ना भाई, ये का करी थे, काहे जरूर उधर आई थे? ये आवारा विधायक के डर के कारण लगा रहे, कहीं घुस के फिर इसमें भी एक कब्जा कर ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़, मैं पूजा। नेता जब वोट मांगने जाते हैं तो ऐसे गिड़गिड़ाते हैं जैसे कि वो कितने भूखे हों, और अगर इसे जनता की एक वोट ना मिले तो ये भूखों मर जाएंगे। वही नेता वोट पाने के बाद गिरगिट की तरह रंग बदलता है, यहाँ तक कि लोग उसे शहाबुद्दीन, किम जोंग, आवारा, हिटलर, तालिबान आदि की उपाधि देने लगते हैं। ऐसे में उन नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए जो उसी जनता जनार्दन का निवाला छीनने में लगते हैं जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया है। जब जनता इस तरह के शब्दों का उपयोग करने के लिए मजबूर हो जाती है, लेकिन बेशर्म नेताओं को अपनी तिजोरी भरने के अलावा कुछ नहीं दिखता। 5 साल बाद भी उसी जनता के पास वापस पहुंचेंगे और उनके तलवे चाटेंगे, कहेंगे कि गलती हो गई और एक और मौका दे। जनता दूसरी बार भी मौका देती है और फिर खुला तांडव शुरू हो जाता है। हालांकि अब जनता समझदार हो चुकी है और बदला लेना भी जानती है, इसीलिए मौका मिलते ही लात और जूतों से स्वागत भी करती है। इन दिनों सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां सिमरिया विधानसभा के चकदही निवासी किसान के द्वारा अपनी जमीन में बाड़ लगाई जा रही है, जिससे किसी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो उसने बताया कि अपनी जमीन को आवारा विधायक से बचाने के लिए बाड़ लगा रहा है। यह सुनकर शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनीतिज्ञों को जिनके क्षेत्र की जनता इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे। हालांकि चाल चरित्र और चेहरे से गिर चुके लोगों को शर्म भी नहीं आती है, लेकिन पीड़ित किसानों की आवाज जब दूर दूर तक जाती है तो लोग यही कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। वीडियो सेमरिया विधानसभा का है जहां के विधायक केपी त्रिपाठी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि शासकीय जमीन में अपने चहेतों के द्वारा कब्जा कराया जा रहा है, लोगों पर झूठे मामले दर्ज करवाए जा रहे हैं, दबाव बनाकर निजी जमीनों को छीना जा रहा है, शासकीय योजनाओं का लाभ अपने चहेतों को दिया जा रहा है और विरोधियों को फंसाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, गुंडागर्दी करवाई जा रही है जिसके लिए गुंडों की गैंग है जिसका लीडर एक विद्यालय के संचालक का बेटा है। विधायक के द्वारा आवाज उठाने वालों पर झूठे मामले दर्ज कराकर अपने पालतू लोगों से हमला करवाकर तोड़फोड़ कराई जा रही है, लेकिन इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर विधायक की पोल खोल दी है। आइए आपको सुनाते हैं फेसबुक या विधायक की करतूत को उजागर करती हुई यह रिपोर्ट, जिसमें आपको सुनाते हैं कि किसान किस तरह से अपना दुख व्यक्त कर रहा है, फिर आपको सुनाएंगे आवाज उठाने वाले आप नेता प्रमोद शर्मा को जिनके ऊपर भी विधायक के द्वारा हमला करवाने का आरोप लगाया जा रहा है। ना भाई, ये क्या करी थे, काहे जरूर उधर आई थे? ये आवारा विधायक के डर के कारण लगा रहे, कहीं घुस के फिर इसमें भी कब्जा कर ले। मतलब यह होता है, कहीं कर सकते हैं भैया, विधायक जी आज की डेट में कहीं भी कब्जा कर सकते हैं, करवा सकते हैं अपने जाजुल राज किशोर अग्निहोत्री जैसे डकैत से। अरे कितने डकैत इस सकदही के अंदर क्या क्या कर रहे हैं विधायक जी, अभी पता भी नहीं है हमारी कैसी दुर्दशा। मैं यहाँ अकेले रहता हूँ, यहाँ डकैत रात में 1 बजे 1:30 बजे रात आते हैं और मुंह बांध के आते हैं बंदूक तलवार लाठी लेके। मैं यहाँ कैसे जिंदा हूँ अकेला आदमी। मतलब जानवरों के लिए नहीं है ये? जानवरों के लिए नहीं, जानवर उतना नुकसान नहीं कर सकता। यहाँ के विधायक जी के चाचू चमचे जो है वो कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक किसान के द्वारा कहा जा रहा है कि बाड़ लगा रहे हैं आवारा विधायक। क्या स्थिति है वर्तमान में सिमरिया में, कैसे लोग दहशत में है कि जमीनों में बाउंड्री लगा रहे हैं, कैसे अतिक्रमण किया जा रहा है, कैसे सुरक्षित? वो एक सत्य बात कहता हुआ एक कोई किसान है जिसकी बाइडी हो रही है। ये पूरे क्षेत्र में जो है व्याप्त है ये बात कि किसी का मकान गिरवा देना, किसी की जमीन पर कब्जा कर लेना, किसी के जो है मारपीट करना किसी साथ में, इस तरह का आतंक जो है पूरे सिमरिया विधानसभा में सब लोग बच्चा जो जान रहा है। इस बार का चुना हुआ विधायक जो है वो हर अलग अलग नामों से जाने जा रहे हैं, तो उसके जो बाइट चल रही है उस पर जो है वो बिल्कुल यथार्थ बात कह रहा है कि उसको डर है उस बात का, वो बंद कर रहा था, इस बात का डर था कि मेरे कब्जा ना कर ले, और वो बता रहा है कि वो कहीं आसपास चकदही के आसपास का गाँव का है जहाँ पर बता रहे हैं कि चकदही में उन्होंने डकैत पाल रखे हैं, गाँव में डकैत पाल रखे हैं, हर नलकूप से लेकर सरकारी भवनों तक कब्जा उनके आदमियों का है। तो इस प्रकार जो है पूरा क्षेत्र व्याप्त है और उसका एक उदाहरण ये वीडियो क्लिप है जो आज पूरे मध्य प्रदेश में जो है वायरल हो रहा है और जगह जगह पे हमने भी देखा। और अत्यंत दुखद है कि सिमरिया विधानसभा से मेरे साथ के प्रत्याशी केपी त्रिपाठी जो चुनाव लड़े और इतनी जो है गरिमा का गिरना, विधायक पद का गरिमा गिरना, ये अत्यंत निंदनीय है और लोगों को जो है इसको समझना होगा कि कैसे लोगों को बीजेपी ने टिकट दी और कैसा विधायक जो है क्षेत्र की जनता ने चुना।
मतलब जमीन पर भूमाफिया कहा जाए, अगर जिस तरह से लोग डरे हुए हैं कि हम भूमि सुरक्षित करना चाह रहे हैं, तो क्या भूमाफिया का रोल निभा रहे हैं? नहीं नहीं, बहुत सारे एरिया में वहाँ पर अवैध खनन का मामला चलता है, उधर पे जमीन का जो है पूरा तहसील उनके पास है। जो घटना घटी अभी जो है यहाँ पर वो जो कटाई गांव में, तो वहाँ पर जो है 22 तारीख को एक नोटिस जारी होती है और जो है 3 तारीख को ये हो जाता है अचानक से, जबकि पिछले साल भर का जो है नामांतरण का और इसका जो है फाइल पेंडिंग पड़ी हुई, आदेश पे लगी हुई फाइल, लेकिन SDM के द्वारा ना तहसील द्वारा उस पर नहीं किया कार्रवाई नहीं किया थी, लेकिन चुन चुन कर लोगों के साथ में से कार्रवाई, इसलिए लोग प्रताड़ित हैं किसी की जमीन पर कब्जा करा देना कुछ करा, इसलिए जो राजस्व विभाग के साथ मिलकर ये जो है, तो ये बहुत ही छोटा, और किसी ने अभी रामलखन शर्मा जी का बाइट देख ही रहा था मैं, उन्होंने कहा एक अपात्र व्यक्ति को चुनने के बाद अगर ऐसा होता है तो ये फिर नंगा नाची करता है, उसका उदाहरण अभी लोगों को अभी और 1.5 साल तक सहना पड़ेगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।